नमस्कार फ्रेंड्स, कैसे हैं दोस्तों आप लोगों की एक भारी डिमांड आ रही थी तो यूनिट 3 को मैंने थोड़ा सा छोड़ दिया है। कुछ क्वेश्चन उसके करा दिए जाएंगे, लेकिन सूचना या ज्ञान प्रक्रियाकरण पुनर्प्राप्ति की कुछ ज़्यादा ही डिमांड थी तो इसलिए ये वीडियो लेकर के आया हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो, लास्ट तक बने रहे। हिंदी में आसान से क्वेश्चन है मेरे से तो, लेकिन अच्छे क्वेश्चन हैं, तो शुरुआत करते हैं। काफ़ी पुरानी बुक है, शोध सर की 2000 की किताब है, उसी के ये क्वेश्चन है। तो फ्रेंड्स शुरुआत किया जाए, अगर नए हैं अभी तक आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक शेयर कीजिए। शुरुआत है आज के क्वेश्चन का, ज्ञान से क्या अभिप्राय है? तो निश्चित जानकारी भी इससे प्राय अभिप्राय है, विचार समूह जिससे मनुष्य अर्जित कर सुरक्षित कर सकता है, ये भी ठीक है। पुरस्कृत अर्थपूर्ण सूचना, ये भी ठीक है, उपयुक्त सभी। और पॉलिटी डिग्री में हम लोग चुनाव करा के आए हैं, हालत खराब है, 4-5 दिन आके बस जिंदा थे, किसी तरह से कोई सुविधा नहीं थी स्कूल में। मोदी जी का चुनाव था, ड्यूटी कट नहीं सकी। निम्नलिखित में से कौन सा सूचना का स्रोत नहीं है? तो विश्वकोश सूचना का स्रोत नहीं है, स्रोत तो है एक तरह का ये, लेकिन सूचना को क्या है कि ज्ञान को ये समाहित किया हुआ है, सूचना उत्पादन नहीं करता है। फ्रेंड्स जैसा मैंने बताया अभी हम चुनाव में थे तो अभी इसलिए वीडियो आप लोगों को लेट मिली है, तबीयत भी खराब थी तो उसके लिए सॉरी। प्रत्यक्ष ज्ञान से हम क्या करते हैं फ्रेंड्स? अपना ज्ञान प्राप्त करते हैं। प्रज्ञा जो महात्मा बुद्ध को घटी, अंतर मन से जो प्राप्त ज्ञान है वो अंतर ज्ञान कहलाता है। उपरोक्त में से कौन सा ज्ञान का प्रकार नहीं है? तो ऐतिहासिक ज्ञान का हमारा एक प्रकार नहीं है। संगत ज्ञान मतलब तर्कसंगत ज्ञान, सहज ज्ञान और वैज्ञानिक ज्ञान, ये ज्ञान के प्रकार हो सकते हैं। आध्यात्मिक ज्ञान निम्नलिखित में से किससे संबंधित? तो आत्मा से संबंधित है, इसलिए बोला जाता है कि आध्यात्मिक बनिए, धार्मिक नहीं। धार्मिक व्यक्ति दूसरे धर्म को आघात या चोट पहुंचा सकता है, आध्यात्मिक आदमी कभी किसी का दिल नहीं दुखाता है। उसके लिए सब धर्म, सब इंसान, सब जीव एक समान होते हैं। और फ्रेंड्स जब हम इसे निर्माण की विधियाँ पढ़ रहे थे तो हम लोगों को तो 2 दिन केवल धर्म को ही लेकर बहस चली थी, उसके बाद ही हम लोगों को ये सब चीज़ें पढ़ाई गई थी कि फॉरेन की जो विदेशी है, जो DDC का निर्माण हुआ है वो हमारा फिलोसफी बेस है और हिंदुस्तान का धर्म पे आधारित एक तरह से किया गया था उसको ज्ञान का वर्गीकरण। विषय निर्माण की विधियाँ किसने प्रतिपादित की थी? तो डॉक्टर रंगनाथन ने प्रतिपादित की थी। निम्नलिखित में से संचयन का पूर्व नाम क्या था? तो समूहन मतलब बहुत सारा एक साथ, ये भी नहीं है, अनाच्छादन भी नहीं है, तो सही आंसर इसका आंशिक समावेशी है। समूहन बहुत सारा समूह यानी कि क्लस्टर, सब्जेक्ट बंडल बाद में कर दिया गया शायद इसका नाम, तो इसका पहले नाम क्या था? विषय बंडल था, बाद में समूहन किया गया है। वर्गीकरण की प्राकृतिक भाषा होती है, असत्य है, आर्टिफिशियल होती है। वर्गीकरण प्रणाली के निर्माता को क्लासीफायर कहा जाता है, नहीं उसे हम क्लासीफिकेशनिस्ट कहते हैं। क्लासीफायर वो होता है जो किसी भी कोड के आधार पर क्लासिफिकेशन करता है। पुस्तकालय वर्गीकरण में संपूर्ण प्रक्रिया को 3 चरणों में अथवा स्तरों में डिवाइडेड किया गया है, जैसे वैचारिक स्तर, शाब्दिक स्तर, अंकन स्तर पर विभाजित किया जा सकता है, सत्य है। निम्नलिखित समूह को हमें क्या करना है? मिलान करना है। तो रिचर्डसन की जो पद्धति है क्लासिफिकेशन, थ्योरेटिकल प्रैक्टिकल है। ह्यूम का संबंध किस ग्रंथ परक वर्गीकरण से है? शियर्स महोदय का संबंध वर्गीकरण के उपसूत्रों से, और डॉक्टर रंगनाथन का तो आपको पता ही है कौन सी बुक है, प्रोलॉग मेरा टू लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन, आगे कराएंगे, किस सन में आई थी ये? 1931 में। मैचिंग के क्वेश्चन भी आप लोगों को देंगे, मतलब आज से 5वीं 6वीं वीडियो में आप याद करा दीजिए, कुछ क्वेश्चन देंगे मैचिंग के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। ज्ञान वर्गीकरण को अंकन पद्धति की आवश्यकता होती है, असत्य है।
मिश्रित अंकन वर्गीकरण पद्धति को विस्तृत आदान प्रदान करता है, ये बात बिल्कुल ठीक है। परिग्रहण संख्या पुस्तक संख्या का क्रमांक अंक का एक भाग है, गलत। यूनिक नंबर होता है क्रमांक, अंक में काल नंबर में क्या होते हैं हमारे क्लास नंबर होते हैं, कलेक्शन नंबर होता है और बुक नंबर होता है। शोध प्रविधि निम्नलिखित में से किस विधि के द्वारा प्राप्त की जाती है, तो आश्वन इसका राइट आंसर है, विलयन विखंडन और समूहन नहीं है। किसी भी क्वेश्चन का डाउट होता है तो हम डिस्कस कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में। निम्नलिखित में से कौन सा चिंतन की विधि नहीं है, तो तार्किक चिंतन की हमारी विधि नहीं है, अधिकार केंद्रित चिंतन, प्रत्यक्ष चिंतन और कल्पनात्मक चिंतन, ये तीनों सही है। निम्नलिखित में से कौन सा एक सत्ता नहीं है, तो सरकारी सत्ता नहीं है, परंपरागत सत्ता, वैधानिक सत्ता, कृष्णमयी सत्ता, ये तीनों सत्ता कहलाती है हमारी ज्ञान वर्गीकरण के आधार पर। विधिविक सत्ता किससे संबंधित होती है, ये कृष्णमयी सत्ता से संबंधित होती है। वैधानिक सत्ता इसका आंसर नहीं है, परंपरागत सत्ता आंसर नहीं है, और आंसर तो है उपरोक्त में से कोई नहीं, तो बिल्कुल ही गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रत्यक्षवाद की व्याख्या किसके द्वारा की गई थी, तो फ्रांसिस बेकन के द्वारा नहीं की गई थी, अरस्तु ने भी नहीं की थी, रंगनाथन ने भी। सही आंसर है हमारा अगस्त काम्प्टन ने प्रत्यक्षवाद की व्याख्या की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रत्यक्षवाद चिंतन की अवस्था नहीं है, प्रत्यक्ष ज्ञान अवस्था है, तात्विक अवस्था है, प्रत्यक्षवाद अवस्था है, तो कौन सी नहीं है, तो अवधारणा की अवस्था नहीं है। प्रत्यक्षवाद चिंतन को और किस नाम से पुकारा जाता है, तो ऐतिहासिक चिंतन से भी नहीं पुकारा जाता, व्याख्यात्मक चिंतन से भी नहीं पुकारा जाता, सही आंसर है वैज्ञानिक चिंतन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कल्पना आत्मक अथवा आध्यात्मिक चिंतन की व्याख्या किसके द्वारा की गई थी, काम्प्टन ने भी नहीं की, फ्रांसिस बेकन ने भी, बचे तो मैक्स वेबर और अरस्तु, मैक्स वेबर भी इसमें से नहीं है, तो राइट आंसर हमारा अरस्तु है। कल्पनात्मक चिंतन किससे अधिक उपयोगी है, मानविकी में भी नहीं है, प्राकृतिक विज्ञान में भी, तो कल्पना हम कहाँ करते हैं, समाज में रह करके करते हैं, तो सामाजिक विज्ञान इसके लिए कल्पनात्मक चिंतन के लिए सबसे उपयोगी है। अधिकार केंद्रित चिंतन की व्याख्या निम्नलिखित में से किसके द्वारा की गई थी, तो वह की गई थी मैक्स वेबर के द्वारा, अरस्तु, अगस्त काम्प्टन और रंगनाथन ने नहीं की थी। वर्गीकरण की भाषा कौन सी होती है, तो प्राकृतिक भाषा तो होती नहीं है, कृत्रिम भाषा राइट आंसर है हमारा। और फ्रेंड्स कोई क्वेश्चन के किसी भी उसमें डाउट हो आप लोगों को, तो हम कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर उसको पूछ सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक अधिकार केंद्रित चिंतन से संबंधित नहीं है, तो अवस्था पर आधारित चिंतन है, तर्क की आवश्यकता नहीं है, विधिवत सत्ता, ये ऑप्शन ठीक है, एक के ही द्वारा चिंतन, ये गलत है। वर्गीकरण शब्द जो है या वर्गीकरण पद, इससे क्या तात्पर्य है, तो समूहबद्ध एवं क्रमबद्ध सत्व, ये भी आंसर नहीं है। समान तत्वों का समूहबद्ध करना, ये भी नहीं है। सत्वों का मिश्रित करना, ये भी इसका आंसर नहीं है। सही आंसर है समूहों का कृत्रिम अंकों के द्वारा प्रस्तुत करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से वर्गाचार्य कौन होता है, उपरोक्त में से कोई नहीं, तो बिल्कुल गलत है। वर्गीकरण का शोध समूह या शोधार्थी इसका वर्गाचार्य नहीं कहलाता है। वर्गीकरण का शिक्षक भी वर्गीकरण का जो है आचार्य नहीं कहलाता है। वर्गीकरण पद्धति का निर्माता जो होता है वो जरूर क्लासिफिकेशनिस्ट कहलाता है। किसी भी विषय या वस्तु दो भागों में विभाजित करने को क्या कहते हैं, तो देखिए उपरोक्त में से कोई नहीं है तो आंसर हो नहीं सकता। दो भागों में देख करके हिंदी में पढ़ सकते हैं, अगर इंग्लिश में समझ नहीं आ रहा, आसवन दो भागों जैसा शब्द नहीं लग रहा है, विखंडन दो जैसा नहीं लग रहा है, द्वि मतलब दो, भाजन मतलब विभाजित करना, तो सही आंसर हमारा द्वि विभाजन या डाइकोटोमी। यदि किसी वस्तु का वर्गीकरण का आकार रंग आदि के अनुसार है तो वह क्या कहलाएगा, जो हमारा वर्गीकरण है
रंग आकार के आधार पर करते हैं तो वह क्या कहलाएगा हमारा? पुस्तकालय वर्गीकरण का तो कहलाता नहीं है, क्योंकि पुस्तकालय वर्गीकरण में हम किसी न किसी कोड का प्रयोग करते हैं, तार्किक वर्गीकरण में भी कुछ न कुछ तर्क लगाते हैं, प्राकृतिक वर्गीकरण और कृत्रिम वर्गीकरण में डाउट है, आंसर कृत्रिम वर्गीकरण है, तो देख लीजिएगा। वर्गाकार निम्नलिखित में से कौन सा है? वर्गीकरण पद्धति का निर्माता नहीं होता, क्लासिफिकेशनिस्ट होता है, क्लासिफायर नहीं। वर्गीकरण का शिक्षक और शोधार्थी बिल्कुल नहीं होते हैं। सही आंसर है पुस्तक को वर्गांक देने वाला वर्गाकार या क्लासिफायर कहलाता है। वर्गीकरण के तीन चरणों का विचार निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया गया था? डीवी रंगनाथन के द्वारा और सीएस के द्वारा नहीं किया गया, राइट आंसर है ब्लिस के द्वारा। वर्गीकरण के विभाजन के बारे में किससे संबंधित है? तो पोरफेरिक वृक्ष इसका आंसर है। तीन चरणों में भी डाउट है फ्रेंड्स रंगनाथन, वर्बल प्लान रोटेशनल प्लान ये डॉक्टर रंगनाथन ने बताया, कमेंट सेक्शन में डिस्कस कर सकते हैं। तार्किक वर्गीकरण के विभाजन का आधार क्या है? तो दर्शन शास्त्र और तर्कशास्त्र आंसर सही है, दर्शन शास्त्र विज्ञान तर्कशास्त्र ये तीनों नहीं है। दस विभाजन को क्या कहा जाता है? तो आसवन भी नहीं है, दस भाजन आंसर गलत दिए हैं क्या आंसर शीट में? दस विभाजन को क्या कहा जाता है? विखंडन नहीं हो सकता, आसवन नहीं हो सकता, द्विवी मतलब दो होता है, तो सही आंसर इसका दस भाजन। निधानियों पर पुस्तकों क्रमानुसार सबसे उपयुक्त विधि कौन सी होती है? लेखक द्वारा नहीं होती है, आंसर तो है तो ये भी चौथा हटा दिया। आकार या विषय, तो आकार एक किताब का एक ही विषय की छोटा या बड़ा है तो अलग अलग जगह चले जाएगी, और पाठक या रीडर जो भी हमारा यूजर होता है वह सबसे ज़्यादा कहाँ करके देखता है तो वो अपने सब्जेक्ट में आकर देखता है, तो आकार भी गलत है, विषय द्वारा सबसे अच्छा ऑप्शन है। विलियन ने फ्यूजन से क्या तात्पर्य है? तो यह है विषय निर्माण की एक विधि होती है, चिंतन अंक की विधि, अंकन की विधि और उपरोक्त ये तीनों गलत ऑप्शन है। पुस्तकालय वर्गीकरण का वर्गाकरण आचार्य निम्नलिखित में से किसे कहा जाता है? जे डी ब्राउन रंगनाथन मेल बिल्डिंग रही है, यह है हमारे डब्ल्यू बी सी सीयर्स। क्लासिफिकेशन पद किस भाषा से लिया गया था? मैंने दो बार वीडियो में आपको पहले भी बताया, तो अंग्रेजी भाषा फ्रेंच भाषा तो नहीं है, बचा ग्रीक भाषा और लैटिन भाषा। तो जो शब्द एक जैसे ही शब्द से बने हैं, जैसे क्लासिफिकेशन क्लासिस शब्द से बना है तो वो ग्रीक नहीं हो सकता, उसमें 90% या 70% चांस लैटिन भाषा के होते हैं कि वो लैटिन भाषा से बनाया गया है। दार्शनिक वर्गीकरण का किस पर आधारित होता है? तो ये अभी दर्शन शास्त्र और अर्थशास्त्र पर होता है, ये कराया है अभी क्वेश्चन। ज्ञान वर्गीकरण की अभिधारणा वैचारिक धरातल, शाब्दिक धरातल और अंकन धरातल का प्रतिपादन किसने किया था? रंगनाथन ने किया था फ्रेंड्स, अभी हमने ऊपर भी बताया था कि क्वेश्चन डाउटफुल था, यहाँ क्लियर हो गया है। निम्नलिखित में से कौन सा एक वर्गाचार्य नहीं है? तो डब्ल्यू सी बर्विक सीयर्स जो है वर्गाचार्य नहीं है, बाकी रंगनाथन फ्रीमॉन्ट राइडर सी ए कटर है, रूल्स फॉर डिक्शनरी कैटलॉग लिखा है सी ए कटर ने, फेमस पुस्तक है, एग्जाम में पूछी जाती है, लेकिन उन्होंने क्लासिफिकेशन पे भी काम किया है सी ए कटर ने। फ्रेंड्स फिर डाउट सी ए कटर होना चाहिए, ये वर्गाचार्य क्लासिफिकेशनिस्ट सीयर्स तो है। फ्रेंड्स हम लोग जो है ना किसी से बुक ये मांग के लाए थे, चलिए जो होता है देखा जाता है, कल फिर कोशिश करेंगे एक बार सर्च करके देने की। प्रोलोमिनाटू लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन के लेखक कौन है? सार रंगनाथन है, सीयर्स नहीं है, चिबली से सी ए कटर नहीं है। तो डाउट अगर किसी भी क्वेश्चन में आता है आंसर का तो बिल्कुल आप लोग जो है कॉमेंट सेक्शन में डिस्कस करें। ग्रामर ऑफ क्लासिफिकेशन के रचयिता कौन है? सी ए कटर नहीं है, रंगनाथन नहीं है, ब्लिस नहीं है, डब्ल्यू सी बर्विक सीयर्स। स्टडी ऑफ जनरल कैटेगरीज एप्लीकेबल टू क्लासिफिकेशन नामक पुस्तक के लेखक
एरिक डी ग्रोलियर है, निम्नलिखित में से कौन सी प्रणाली पूर्णतः गणनात्मक पद्धति, तो राइडर्स इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन इसका राइट आंसर है। कोलन क्लासिफिकेशन का संस्करण 7 किस प्रकार की पद्धति है, तो यह मुक्त पक्षात्मक पद्धति है और आंसर 2 ठीक है। परिगणनात्मक लगभग लगभग तो नहीं है। बिब्लियोग्राफिक क्लासिफिकेशन का प्रवर्तक कौन था, तो एच ई बुलिस थे, जे डी ब्राउन, सी ए कटर, रंगनाथन, तीनों नहीं थे। डीवी डेसिमल क्लासिफिकेशन 21 किस प्रकार की पद्धति है, तो परिगणनात्मक नहीं है, लगभग पक्षात्मक नहीं है, पक्षात्मक भी नहीं है, तो लगभग परिगणनात्मक पद्धति है यह। इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन के प्रणेता निम्नलिखित में से कौन थे, तो बुलिस भी नहीं थे, सी ए कटर भी नहीं थे, रंगनाथन भी नहीं थे। कौन थे, तो फर्मंट राइडर थे। वैश्लेषी संश्लेषणात्मक पद्धति स्वतः निर्मित वर्गांक वाली पद्धति है, असत्य है। सामान्य वर्गीकरण पद्धति का पूर्ण ज्ञान जगत को अपने अंतर्गत समाहित कर लेती है, सत्य है। पुस्तकालय वर्गीकरण की समस्त सामान्य पद्धतियां परिगणनात्मक, असत्य है। तो मैचिंग का क्वेश्चन है फ्रेंड्स, इसमें हम थोड़ा सा दिमाग भी लगा सकते हैं अगर हमको नहीं याद हो एक दो ऑप्शन, जरूरी नहीं चारों ऑप्शन सही हों, याद हो आपको तो एक दो से काम चल सकता है। कोलन क्लासिफिकेशन आप सब लोगों को अच्छे तरीके से याद होगा, है ना, खूब आप लोग पढ़ते हैं कोलन क्लासिफिकेशन का नाम। तो कोलन क्लासिफिकेशन कब आया था, तो ये हमारा 1933 में आया था। वो पहले में दे है, तो एक ऑप्शन से भी काम चल सकता है, पहले में दे है, तो ये राइट आंसर हो गया हमारा। और यूडीसी भी याद है, 1905 में आया था। दो का से अगर एक पहला मैच नहीं करता है तो दूसरे से, और दूसरा भी अगर नहीं होता सही तो तीसरे से पकड़ते हैं, तो तीसरा क्या एक्सपेंसिव क्लासिफिकेशन है, यह 1889 का है, और डीवी क्लासिफिकेशन आपका जो है 1876 का, सबको याद है ये भी। तो ऑप्शन हमारा 3 बिल्कुल ठीक है। यूडीसी किस प्रकार की एक वर्गीकरण पद्धति, तो यह लगभग पक्षात्मक है। वर्गीकरण के संबंध में 1876 किससे संबंधित है, तो मेलविल डीवी से 1876 में कौन सी स्कीम आई थी, डीवी डेसिमल क्लासिफिकेशन आई थी। एफआईडी के द्वारा यानी कि इफला के द्वारा 1978 में प्रकाशित वर्गीकरण पद्धति कौन सी थी, एफआईडी इफला नहीं होता है, एफआईडी अलग है। तो यह थी हमारी बी एस ब्रॉड सिस्टम ऑफ ऑर्डरिंग, इसका फुल फॉर्म है, जो 1978 में एफआईडी ने दी थी। ब्रॉड सिस्टम ऑफ ऑर्डरिंग से तात्पर्य है एक वर्गीकरण पद्धति, सूची संहिता नहीं है, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर पैकेज नहीं है, आंसर तो इन्हीं में से है। पाल आउटलेट और हेनरा फाउंटेन किससे संबंधित है, यूडीसी से संबंधित है। किसी समष्टि निकाय यानी इंस्टीट्यूशन के द्वारा किस वर्गीकरण पद्धति का निर्माण किया गया था, तो यूडीसी का निर्माण किया गया था। क्लासिफिकेशन रिसर्च ग्रुप सीएआरजी का मुख्यालय कहाँ पर है, तो इसका मुख्यालय पेरिस में नहीं है, बेंगलोर में भी नहीं है, हेग में तो नहीं है, लंदन से ही आंसर है। सीआरसी के सदस्यों के द्वारा विशिष्ट वर्गीकरण पद्धति और कोलन क्लासिफिकेशन के आधार पर डीआरआरटीसी द्वारा लाई गई गहन सूची किस श्रेणी के अंतर्गत आती है, तो यह है लगभग पक्षात्मक, मुक्त पक्षात्मक पद्धति है। विशिष्ट वर्गीकरण प्रणाली के 3 प्रकार होते हैं, प्रथम पूर्णतः स्वायत्त शासी विशिष्ट पद्धति, दूसरा अर्ध स्वायत्त शासी विशिष्ट पद्धति, तीसरा प्रकार है हमारा सामान्य वर्गीकरण पर निर्भर विशिष्ट पद्धति है। बीबीके का पूरा नाम क्या है, तो इसका नाम है बिब्लियोग्राफिक क्लासिफिकेशन है। सीआरजी की स्थापना किस वर्ष हुई थी, तो सीआरजी की स्थापना 1950 में भी नहीं हुई, 54 में भी नहीं, तो कब हुई, 1952 ठीक आंसर है।
विशिष्ट पद्धति की रचना और प्रकाशन के लिए सीआरजी का योगदान बहुत महत्वपूर्ण सत्य है। एक्सपेंसिव क्लासिफिकेशन पद्धति का निर्माता कौन है? रंगनाथन तो नहीं थे, कौन थे? सी ए कटर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुक क्लासिफिकेशन का प्रथम विद्वान कौन था? जैसन और ब्लिस डिवी नहीं थे, बेकन थे। अपूपा पद्धति किससे संबंधित है? प्रलेखन से भी नहीं है, सूचीकरण से भी नहीं है, आदान प्रदान से भी नहीं है। तो अपूपा पद्धति का प्रयोग हम कहाँ करते हैं? सब्जेक्ट का अरेंजमेंट करने में। अरेंजमेंट कब होगा? जब उसका वर्गीकरण सही होगा। तो राइट आंसर क्या है हमारा? वर्गीकरण है। प्राकृतिक भाषा में वर्गीकरण, भाषा में अनुवाद क्या कहलाता है? तो क्लास नंबर कहलाता है, पुस्तक संख्या नहीं कहलाता, काल नंबर नहीं कहलाता, संग्रह नहीं, बल्कि क्लास नंबर कहलाता है। प्रोलोगोमिना टू लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन किससे संबंधित है? प्रोलोगोमिना टू प्रलेखन से भी नहीं है, प्रबंधन और सूचीकरण से नहीं है। सही आंसर है हमारा वर्गीकरण। डीडीसी में सापेक्षिक अनुक्रम निकाय रिलेटिव इंडेक्स किस विधि से संबंधित है? विभिन्न पक्षों हेतु पूर्व निर्मित वर्गांक जो प्रदान करता है सत्य है। डीडीसी का जो रिलेटिव इंडेक्स है किसी विषय से संबंधित विभिन्न पक्षों के पूर्व निर्मित अंक प्रदान करता है, यह बात ट्रू है। विषय निर्माण की विधियां पद निम्नलिखित में से किसकी देन है? तो नील मेगन की नहीं है, डीवी और रंगनाथन की नहीं, यह है सीबीसीएस का है। विषय निर्माण की विधियों से क्या अभिप्राय है? नए विषयों का उद्घाटन नहीं है, उपरोक्त में से कोई नहीं, नहीं उपरोक्त में से ही आंसर है। और नए विषयों का विकास भी इसका मतलब नहीं होता है। तो नए विषयों का रजन संबंध है। विषय निर्माण की विधियां निम्नलिखित में से किसका एक अंग है? तो वर्गीकरण का है। रंगनाथन के विचार में मूल विषय किसके द्वारा प्राप्त होते हैं? डिवीजन के द्वारा, अनच्छेदन और प्रतिकरण के द्वारा नहीं होते हैं, बल्कि विखंडीकरण के द्वारा या विखंडन के द्वारा होते हैं। प्राथमिक मूल विषय बायोकेमिस्ट्री जीव रसायन किसके द्वारा प्राप्त हुआ है? तो ये विलयीकरण के द्वारा प्राप्त हुआ है। शुद्ध विषय किस निर्माण पद्धति के द्वारा प्राप्त होते हैं? तो जो हमारे शुद्ध विषय हैं वह आश्वन के द्वारा प्राप्त होते हैं, विखंडन विलयन और समूहन के द्वारा नहीं होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी विधि संयोजित या मिश्रित विषय निर्माण करती है? विखंडनकरण, शिथिल समुच्चय और विलयन, ये नहीं है। राइट आंसर है प्रतिबंधी या लेमिनेशन। जटिल विषय किसके द्वारा प्राप्त किए जा सकते हैं? तो शिथिल समुच्चय ही इसका सही आंसर है, प्रतिबंधी आसवन विखंडन नहीं है, ये तीनों इसका आंसर नहीं है। विषय निर्माण की विधि विखंडन किस प्रकार के विषय निर्मित करती है? तो प्रामाणिक विषय तो कुछ होता ही नहीं है, इसमें समकक्ष विषय और अधीनस्थ विषय नहीं, मूल विषय करती है। श्रृंखला का निर्माण निम्नलिखित में से किसका परिणाम है? तो विच्छेदन विखंडन का नहीं है, बल्कि अनाच्छादन का परिणाम है। पुष्पीय पादप निम्नलिखित में से किसके विषय निर्माण की विधि का परिणाम है? तो यह विच्छेदन का है, इन तीनों का नहीं है। समूहन को पूर्व किस नाम से जाना जाता था? विखंडन विगलत है, आसवन और विच्छेदन विगलत है, इसका नाम था सब्जेक्ट बंडल। बहुत सारे सब्जेक्टों को इकट्ठा करके बंडल बनाया गया, अब समूह कर दिया। बायोटेक्नोलॉजी किसका एक उदाहरण? तो फिजन विलियन का नहीं है, प्रतिबंधी और शिथिल समुच्चय में से बेस्ट ऑप्शन है डोज असेंबल या शिथिल समुच्चय। संश्लेषी संश्लेषणात्मक विश्लेषी संश्लेषणात्मक वर्गीकरण पद्धति से तात्पर्य है? पक्षात्मक नहीं है, लगभग पक्षात्मक नहीं, परिगणना नहीं है, मुक्त पक्षात्मक इसका आंसर है। डीडीसी के प्रेरणाता निम्नलिखित में से कौन थे? सब लोग जानते होंगे, सी कटर भी नहीं है, रंगनाथन नहीं है, ब्राउन नहीं है, मेलविल डीवी इसके प्रेरणाता या निर्माणकर्ता थे। डीवी डेसिमल क्लासिफिकेशन किस प्रकार की पद्धति है? तो लगभग पक्षात्मक नहीं है, पक्षात्मक नहीं है, मुक्त पक्षात्मक भी नहीं है, सही आंसर है
परिगणना आत्मक पद्धति है। निम्नलिखित में से प्राचीन वर्गीकरण पद्धति कौन सी है? सबसे प्राचीन पद्धति तो ईसी है, यूडीसी नहीं है, सीसी नहीं है, डीडीसी भी नहीं है। इन्यूमरेटिव क्लासिफिकेशन सबसे पुरानी पद्धति है। निम्नलिखित में से पद्धति पुस्तकालय में सर्वाधिक उपयोग की जाती है, तो फ्रेंड्स डीडीसी की जाती है, यूडीसी भी कम की जाती है, यूडीसी अधिकतर की जाती है हमारी साइंस वगैरह की रिसर्च सेंटर वगैरह पे। सीसी तो आजकल चली नहीं है और सब्जेक्ट क्लासिफिकेशन भी नहीं है, कोलन क्लासिफिकेशन बहुत ही कम जगह यूज हुई है। तो भौगोलिक सारणी का संबंध हमारा किस स्थान एकल से है, मानक रूप विभाजन का संबंध सामान्य एकल से है, 02000299 क्या है हमारा गैप डिवाइस है, या इसे विधि कह सकते हैं इसको, और भाषा सारणी का संबंध हमारा भाषा एकल से होता है। सार्वभौम दशमलव वर्गीकरण लगभग एक पक्ष आत्मक पद्धति है, सत्य है। डीडीसी में विषयों का निर्माण निर्धारण सामान्य से विशिष्ट की ओर जाता है और श्रेणीबद्ध श्रृंखला के साथ समाप्त हो जाता है, सत्य है। विशेषता और उपसूत्र वैचारिक धरातल का उपसूत्र है, सत्य है। डीडीसी का सर्वप्रथम प्रथम संस्करण किस वर्ष प्रकाशित हुआ था? 1870 नहीं, ये भी गलत, 86 भी गलत, तीनों गलत। राइट आंसर है हमारा 1876। उस व्यक्ति का नाम बताएं जिसके द्वारा डीडीसी का 7 बार संपादन हुआ था, तो वो व्यक्ति थे पार्कर डीवी नहीं थे, मार्केंडी डीवी भी नहीं थे, एमजे फ्रेशगुन भी नहीं थे। सही आंसर है ईएम सेमियोर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस वर्गीकरण पद्धति में 3 अंकन का होना आवश्यक है, 3 अंकों का? तो लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस क्लासिफिकेशन भी नहीं है, सब्जेक्ट क्लासिफिकेशन भी नहीं है, कोलन भी नहीं है। सही आंसर है हमारा डीवी डेसिमल क्लासिफिकेशन। डीडीसी के अब तक कितने संस्करण प्रकाशित हो चुके हैं? तो फ्रेंड्स 23 संस्करण इसके प्रकाशित हो चुके हैं अभी तक। डाउट हो तो आप लोग क्वेश्चन सेक्शन में पूछ सकते हैं। उपर्युक्त उस वर्गीकरण पद्धति का नाम बताएं जिसमें शून्य मात्र संकेतक के रूप में प्रयुक्त केवल 0 ही कनेक्टिंग डिवाइस है, तो कोलन में तो 4 हैं, यूडीसी में भी कई हैं, सब्जेक्ट क्लासिफिकेशन की मुझे नॉलेज नहीं है इसमें, लेकिन नहीं है। सही आंसर है डीडीसी। डीडीसी के किस संस्करण में पुनः मुद्रित फोनिक शेड्यूल का उपयोग हुआ था? जो फोनिक शेड्यूल आए थे हमारे डीडीसी के 20वें संस्करण में आए थे। उस वर्गाचार्य का नाम बताएं जिसने अपनी पद्धति में इंडो अरेबिक अंक का प्रयोग किया था, रंगनाथन, जेडी ब्राउन, सी ए कटर नहीं है, वो है हमारे मेलविल डीवी। डीडीसी का 20वां संस्करण किस वर्ष प्रकाशित हुआ था? तो 1876 में तो हमारा पहला है, ये भी गलत है, 1990-92 दोनों गलत है। सही आंसर है इसका 1989। डीडीसी के किस 20वें संस्करण में कितनी टेबल्स थी? सारणियां 7 थी। डीडीसी के 20वें संस्करण में कितने खंड थे? तो 2 खंडों में नहीं था, 4 में भी नहीं था, तो सही आंसर हमारा 3 खंडों में था। डीडीसी में पर्यायवाची शब्दों को सापेक्षिक अनुक्रमणिका में सूचीबद्ध किया गया, सत्य है। डीडीसी के किस संस्करण में पक्ष या पद का प्रथम बार प्रयोग किया गया था? 16वें में नहीं किया गया, 17वें में नहीं, 19वें में नहीं, तो ये किया गया था हमारा 18वें एडिशन में। किस वर्गीकरण पद्धति में पी नोट्स उपयोग किए गए थे? तो डीडीसी में नहीं है, सीसी और ईसी में नहीं, बल्कि क्या है, ये यूडीसी है। दशमलव वर्गीकरण पद्धति समस्त विश्व में प्रचलित है क्योंकि इसके अंकन सरल होने के फलस्वरूप। इसका राइट आंसर है सीडी रोम पर डीडीसी को किस नाम से जाना जाता है? डीवी ऑन सीडी रोम नहीं है। इलेक्ट्रॉनिक डीवी नहीं है, डीवी ऑनलाइन है, डीवी डिस्क नहीं है।
डीडीसी में सामान्य एकल को क्या कहा जाता है, तो मानक विभाजन कहा जाता है। अटपटारा छोड़ दे इस पेज को फ्रेंड्स, ना चलते हैं। डीडीसी वर्गीकरण पद्धति के किसवें संस्करण में सामान्य एकल के समकक्ष किस पद का प्रयोग हुआ है, तो रूप विभाजन नहीं है, मानक उप विभाजन, मानक विभाजन नहीं, सामान्य उप विभाजन नहीं, मानक उप विभाजन शब्द का प्रयोग हुआ है। डीडीसी के किसवें संस्करण में चौथी और छठी सारणियों का नाम क्या है, तो भाषा शिक्षक विभाजन सारणी और भाषा सारणी है। डीडीसी के किस संस्करण में विभाजित कीजिए नियमों को मुख्य अंकों में जोड़ो नियमों के लिए स्थानांतरित किया गया था, 17वें संस्करण में इसका आंसर है। डीडीसी वर्गीकरण में किसी विषय के वर्गों को शब्दकोश का, दोबारा पढ़ लेते हैं क्वेश्चन को, डीडीसी में किसी विषय के शब्दकोश का वर्गांक बनाने के लिए मानक उप विभाजन के किस अंक का प्रयोग किया गया है, तो 03 का किया गया है, 02 का शायद इंसाइक्लोपीडिया के लिए है। डीडीसी संस्करण के प्रकाशन में कम से कम अंतराल कितना होता है, 6 वर्ष। डीडीसी की तालिका 3 किससे संबंधित है, तो 300 मुख्य वर्ष से संबंधित है, सोशल साइंस, 200 रिलीजन है। डीबी डेसिमल क्लासिफिकेशन पद्धति का 20वां संस्करण 1989 में प्रकाशित हुआ था, सत्य है। डीबी डेसिमल वर्गीकरण पद्धति का 21वां संस्करण 1996 में प्रकाशित हुआ, सत्य है। डीडीसी के प्रथम संस्करण का सारांश क्या कहलाती है, तो 10 विभाजन या डेकाटोमी कहलाता है। डीडीसी में सारणी 2 किससे संबंधित है, तो ये भौगोलिक क्षेत्र से संबंधित है। डीडीसी के 20वें संस्करण में सारणी 7 किससे संबंधित है, व्यक्तियों के दल से संबंधित होती है। यूडीसी की रचना किस वर्ष हुई थी, 1905 में हुई थी, 1876 में हमारा यूडीसी हुआ था, लेकिन 1875 गलत है, 1900 नहीं है, 1910 नहीं है। यूडीसी में मुख्य वर्गों की मूल संरचना किस पर आधारित होती है, सीसी में नहीं है, एलसी में नहीं है, राइट आंसर है डीडीसी। सार्वभौम वर्गीकरण पद्धति यूडीसी दशमलव वर्गीकरण पद्धति के किस संस्करण पर आधारित है, तृतीय पर नहीं है, पंचम में नहीं है, षष्ठम में नहीं है, सही आंसर है चतुर्थ संस्करण। यूडीसी किस वर्गीकरण पद्धति की पुनर्संरचना और विस्तार का परिणाम है, तो यह है हमारा डीवी डेसिमल क्लासिफिकेशन, डीडीसी आंसर है। यूडीसी दशमलव वर्गीकरण पद्धति, यूडीसी में सामान्य एकलों को क्या कहा जाता है, सामान्य सहायक सारणियों के नाम से पुकारा जाता है। सार्वभौम दशमलव वर्गीकरण में प्रयुक्त अंकन किस प्रकार का है, तो शुद्ध नहीं है, पक्षात्मक नहीं है, और कोई ना कोई एक आंसर तो उपरोक्त में से है, तो क्या है, मिश्रित है। यूडीसी किस प्रकार की वर्गीकरण पद्धति है, तो परिगणनात्मक नहीं है, मुक्त पक्षात्मक नहीं, बल्कि लगभग पक्षात्मक पद्धति है। यूडीसी में मुख्य वर्गों का क्रम किस वर्गीकरण पद्धति के समान है, तो सीसी के समान नहीं है, बीसी और एलसी दोनों के समान नहीं है, यह डीडीसी के समान है। यूडीसी का प्रथम संस्करण पूर्ण संस्करण कितने वर्षों के मध्य प्रकाशित हुआ था, तो यह 1905 से 7 के, और इसका जब आंसर लिखते हैं तो 1905 लिखते हैं। यूडीसी की कितनी सहायक सारणियां होती हैं, तो 4, 5, 6 नहीं 7 होती हैं। यूडीसी 1933 अंग्रेजी कृति के कितने खंड थे, तो एक खंड भी नहीं था, 3, 4 भी नहीं थे, सही आंसर है 2 खंड। यूडीसी 1933 अंग्रेजी कृति का प्रथम भाग किससे संबंधित था, तो अनुसूचियों से संबंधित था। यूडीसी का तीसरा संस्करण बीएसआई 100A किस वर्ष प्रकाशित किया गया था, तो 1957, 61, 67 गलत है, सही आंसर है 1948।
यूडीसी के रखरखाव और विकास के लिए कौन सी संस्था उत्तरदायी होती है? एलसी नहीं है, ब्रिटिश लाइब्रेरी नहीं है, एफआईडीएस के लिए सही आंसर है। एसआर रंगनाथन ने यूडीसी को किस प्रकार की पद्धति माना है? तो परिगणनात्मक पद्धति नहीं माना, लगभग परिगणनात्मक भी नहीं माना, स्वतंत्र पक्षात्मक भी नहीं माना है। तो रंगनाथन ने माना है लगभग पक्षात्मक पद्धति यूडीसी को। यूडीसी या सार्वभौम दशमलव वर्गीकरण पद्धति किसने निर्मित की थी? चिपलिस ने नहीं की, फर्मेंट राइडर ने भी नहीं की, ब्राउन ने भी नहीं की, वो थे हेनरी ला फाउंटेन और पॉल ओटलेट। और ये क्वेश्चन भी आ सकता है, किसको नोबेल मिला था? तो शायद इन्हीं दोनों लोगों को मिला था। यूडीसी में समय एकल के लिए संयोजक चिन्ह है इन्वर्टेड कोमा। यूडीसी में वार्षिक संदर्भ ग्रंथों को किस वर्गांक से प्रस्तुत किया जाता है? तो यह 058 से दर्शाया जाता है या प्रस्तुत किया जाता है। यूडीसी में प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू के लिए वर्गांक क्या है? तो 0.002 है। यूडीसी में बुधवार के लिए क्या वर्गांक दिया गया है? तो यह दिया गया है 342 विद इन 342.3 विद इन इन्वर्टेड कोमा। यूडीसी में जापान के लिए क्या दिया गया है? तो 520 दिया गया है सर्कुलर ब्रैकेट के अंदर। यूडीसी में आधुनिक विश्व के राष्ट्रों के निर्माण का वर्गांक क्या होता है? तो 4/9। यूडीसी में संयोजक चिन्ह 1/9 किसके लिए प्रयुक्त हुआ? तो ये स्थान के लिए प्रयुक्त हुआ है 1 से 9 तक। यूडीसी का प्रथम ब्रिटिश संस्करण अंग्रेजी में कब प्रकाशित हुआ था? तो 57 में नहीं हुआ, 61 में नहीं हुआ, 68 में भी नहीं हुआ। कब हुआ सही? 1948 में। यूडीसी यूडीसी अंग्रेजी संस्करण के प्रकाशक का नाम क्या है? आईएसओ, एफआईडी, उपरोक्त में से कोई नहीं गलत है, सही है बीएसआई। यूडीसी का अंकन निम्नलिखित में से किस प्रकार का है? रोमन कैपिटल, स्मॉल रोमन, ग्रीक नहीं, इंडो न्यूमेरिकल है, इंडो अरेबिक न्यूमरल्स इसका सही आंसर है। यूडीसी के सामान्य सहायक उप विभाजन कितने समूहों को विभाजित करते हैं? 3, 4, 5 गलत, सही आंसर है 2 समूहों को। यूडीसी में असतत अंकों को किस योजक चिन्ह के द्वारा दर्शाया जाता है? तो प्लस के द्वारा दर्शाया जाता है, बाकी ऑप्शन गलत हैं। यूडीसी में छोटे कोष्टक में दी गई अरेबिक संख्याएं इक्वल 1/9 किसके लिए प्रयुक्त होती है? तो स्थान के लिए होती है। पलन क्लासिफिकेशन का प्रथम संस्करण किस वर्ष प्रकाशित हुआ था? 31 में नहीं, 35 में नहीं, सही आंसर 1933 में। पोलन क्लासिफिकेशन के किस संस्करण में प्रथम बार मूलभूत श्रेणियों का उपयोग किया गया था? तो यह द्वितीय पंचम संस्करण सिस्टम नहीं है, चतुर्थ संस्करण है, फोर्थ एडिशन। सीसीसी का 7वां संस्करण किस वर्ष प्रकाशित हुआ था? 87 में हुआ था। यानी कोलन क्लासिफिकेशन के प्रथम संस्करण का प्रकाशक कौन था? तो एशिया पब्लिशिंग हाउस था। सातवें का कौन था शायद? तो सातवें का शारदा रंगनाथन इंडोमेट्रेस सेरल्स कहते हैं। रंगनाथन द्वारा वर्गीकरण हेतु कितने चरण प्रतिपादित किए गए हैं? तो 9। कोलन क्लासिफिकेशन के संस्करण 7 का प्रकाशक कौन था? डीआरटीसी था, सॉरी शारदा नहीं था, डीआरटीसी था, शारदा रंगनाथन एंडोमेंट नहीं है, डीआरटीसी बेंगलोर डॉक्यूमेंटेशन एंड रिसर्च ट्रेनिंग सेंटर, इसका पूरा नाम है, बेंगलोर में स्थित है डीआरटीसी। निम्नलिखित में से कौन सी पद्धतियां मिश्रित विषयों की परिगणना नहीं करती है? तो वह कोलन क्लासिफिकेशन। पोलन क्लासिफिकेशन की गहन अनुसूची की संरचना प्रथम बार किस वर्ष प्रकाशित हुई थी? तो 1950 इसका आंसर है। सार्वजनिक और निजी समय की अवधारणा प्रस्तुत किसने की थी? तो डॉक्टर रंगनाथन सही आंसर है।
कोलन क्लासिफिकेशन के किस संस्करण में प्रथम बार ग्रीक वर्ड ग्रीक शब्द डेल्टा का उपयोग हुआ था दूसरे एडिशन में? निम्नलिखित में से किस मूलभूत श्रेणी को पहचानना कठिन होता है? ऊर्जा को पहचान लिया जाता है आसानी से, पदार्थ और स्थान को सही से मुश्किल होता है, व्यक्तित्व या पर्सनालिटी को पहचानना? सीसी के छठे संस्करण का कौन सा पक्ष संबंध नहीं पाया जाता है? तो भेद गलत है, सामान्य और तुलना सही है, उपकरण संबंध। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में जो भी आपको डाउट थे हम लोग कमेंट सेक्शन में डिस्कस कर सकते हैं, और इसी बुक के कुछ क्वेश्चन और देंगे हम आप लोगों को, फिर दूसरी बुक्स तीसरी बुक्स इस्तेमाल करेंगे। नमस्कार।